हाय, हाय। आज हम पोको एप 6 को यूज करते हुए जो भी एक्सपीरियंस किए उसके बारे में आपको बताएंगे। और फ़ोन जो है अब सेल में आपको मिल रहा है अच्छे से, तो आप देख सकते हैं कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसके बारे में आप डिसाइड भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसके दो कलर वेरिएंट आते हैं, एक ब्लैक आता है, दूसरा आता है टाइटेनियम कलर का। और जो ये हमारा फ़ोन है यहाँ पे, ये टॉप वेरिएंट है जो कि करीब 28,000 का है, इस समय सेल में है। और अगर मैं इसके लो वेरिएंट को देखूँ, 256 GB इसकी स्टोरेज के साथ, अगर 12 GB आप रैम लेंगे तो आपको 26,000 का पड़ेगा। और अगर 256 और 8 वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको 24,000 का पड़ेगा। 256 वाला भी कम नहीं है, अगर आप यूज करना चाहें, डेली यूज भी करें तब भी 256 काफ़ी है। और आजकल के हिसाब से प्राइस जो है वो सही है। अगर 128 का इसमें वैसे अभी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम अदर से कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ता है। तो आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस अभी पॉजिटिव ही रहा है। रहा बात, हमने लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और इसमें हमने जो एक्सपीरियंस किया उसमें कैमरा के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि कैमरा कैसा है, कैमरा कैसा है। तो कैमरा हम दिखाना चाहते हैं, और हाँ, कैमरा हम दिखाना चाहते हैं, और मैं कुछ और चीज़ें भी कैमरेज पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में दिखा देता हूँ जो इसका फीचर है। गेमिंग मैं आपको बता सकता हूँ, खेल के तो अभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन गेमिंग के बारे में बता सकता हूँ। यस, गेमिंग अच्छा है, फ़ोन हीटअप नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ़ोन जो है शुरुआत के 1 वीक जब अपडेट करता है और डेटा बैकअप करता है तब हीट होता है सारे फ़ोन की तरह, और उसके बाद से ये हीटअप नहीं होता है। स्क्रीन आप देखें तो स्क्रीन जो है मोर देन 94% बॉडी को कवर करती है। यहाँ पे आप बेजल जो है ऊपर नीचे चारों जो भी हर एजेस पे, हर कॉर्नर्स पे जो आपको बेजल दिखेगा काफ़ी नैरो है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके दिखाऊँ आपको तो बेजल आपको समझ में आएगा, काफ़ी पतला बेजल है। ऊपर यहाँ पर एक पंच होल कैमरा दिया हुआ है, और स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है करीब मोर देन 1.5K है। अब जो है जब आप पहले इसको हाथ में लेंगे तो स्क्रीन जो है काफ़ी बड़ी नहीं दिखाई देगी आपको, दिखाई देगा कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं उनके मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में फिट नहीं बैठते। कुछ लोग के हाथ काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे मेरा हाथ काफ़ी छोटा है, तो मुझे इस टाइप के फ़ोन जो हैं जो स्क्रीन पे मैं आसानी से यूज कर सकूँ और ज़्यादा भारी ना हो, उस टाइप के फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद है। क्योंकि इसमें बेजल नैरो हैं तो स्क्रीन बड़े साइज की है, लेकिन फिर भी फ़ोन छोटा है और स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है। और इसमें एक चीज़ है कि हाँ, इसका फिंगरप्रिंट रीडर कैसा है। यूजली जो है इन डेप्थ जो स्क्रीन वाले फिंगरप्रिंट रीडर्स होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो देखिए ये काफ़ी फास्ट है। मैंने कई यूज किए, वन प्लस वगैरह भी यूज किए, लेकिन इसका फिंगरप्रिंट रीडर ना सच में काफ़ी फास्ट है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा जो कैमरा जो है उसको अगर हम क्विकली यहाँ पे चेक करें तो कैमरा जो है वो काफ़ी क्विक, अगर मैं इसे फटाक से भी लेना चाहूँ ना तो तुरंत हाई क्वालिटी ही इमेज आएगी, इसमें ब्लर नहीं होता है। तो शटर स्पीड वगैरह काफ़ी जो है फास्ट है। और इसमें कुछ ऐड करना हो अगर, क्योंकि पिछले बाकी सारे रिव्यूज में हमने काफ़ी बता रखा है इसमें, तो अगर आपको सेल में इस समय सेल में लेना हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मुझे इसमें ऐसी कोई कमी नहीं दिखी इस प्राइस रेंज में, तो मेरे ख्याल से मिड रेंज आजकल फ़ोन आते हैं उसमें ये काफ़ी टॉप एंड हाई एंड प्रोसेसर वाला फ़ोन है, इसमें कोई कमी नहीं है इसे। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे 25,000 से ज़्यादा फ़ोन पे खर्च करना बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब मैं अगर कहूँ कि पहले लोग कहते थे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी और प्रोडक्शन कंट्री में होने लगेगा तो मोबाइल फ़ोन सस्ते होते जाएंगे, तो अभी तो हमारी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं है। मोबाइल फ़ोन EMI पे फ़ोन लेते हैं, आईफोन जो है जितने में आईफोन आ जाएगा उतने में फ़ोन, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर सब एक साथ आ जाएगा, फिर भी कुछ पैसा बच सकता है। तो मुझे 25,000 भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, और अगर मुझे 25,000 में एक फास्ट फ़ोन मिले जिसमें मैं कैमरा भी अच्छे से यूज कर लूँ, इसके गाने वगैरह सुनने में भी साउंड अच्छा हो, और अगर वीडियो भी यूट्यूब पे देखना हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो मैं ज़रूर इसको लेना चाहूँगी। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि
बहुत बार लोग जो है मेड इन चाइना वाला फोन नहीं लेना चाहते हैं, पर ये बताइए कौन सा फोन मेड इन चाइना नहीं, सारे आईफोन जो है वो मेड इन चाइना ही होते हैं, लेकिन ये फोन जो है चाइनीज कंपनी का है लेकिन एक्चुअल में मेड इन इंडिया है, ये फोन इंडिया में बना है। तो यस, अगर आपको चाइना से प्रॉब्लम है तो ये फोन इंडिया में बना है, इंडिया के लोगों को जॉब मिलेगी इसको बनाने में, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, इंडियन इकॉनमी को प्रमोट भी कर रहा है, आईफोन के अभी भी मोस्ट ऑफ द थिंग इंडिया में नहीं बनते हैं, तो यस ये फोन इस मामले में बेटर है। और एक चीज़ तो ये है कि कई बार हम बाहर की कंपनीज जैसे कि US के फ़ोन, जैसे मैं यूज कर रही गूगल पिक्सल का जो फ़ोन यूज कर रही हूँ, उसमें नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, और उनको कैसे उन्होंने डिजाइन किया है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे कंट्री में जो मोबाइल नेटवर्क है वो फ़ोन में किस टाइप से कैच होता है ये भी उतना मुझे क्लियर नहीं होता, लेकिन मेरा जो पिक्सल है वो कैच ही नहीं करता। 5G बहुत रेयर आता है, बहुत ही रेयर आता है 5G। और इवन अगर सारे मेरे आसपास के फ़ोन जो लोग हैं उनके में 5G आ रहा है, मेरे फ़ोन में 5G आता ही नहीं है, LTE मैं देखती हूँ, जबकि मैं मेरे पास 5G का भी कनेक्शन रहता है, हमेशा LTE रहता है। और जबकि हमने सेटिंग में जाकर सब चेंज वगैरह करके देखा, ऐसा नहीं है कि हम बिना सेटिंग वगैरह देखे हम बोल रहे हैं, नहीं हमने सारा देख लिया, कोई इशू है नहीं वहाँ पे। और प्लस वाईफाई से भी कनेक्ट होने के बाद भी वो फ़ोन जो है मेरा चलता ही नहीं है, उसको कौन सा नेटवर्क मैं लगा दूं कि मेरा फ़ोन अपडेट हो जाए, मेरा फ़ोन सही से कनेक्शन दे दे या आवाज़ क्लियर आ जाए, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया गूगल पिक्सल के साथ। तो वो फ़ोन अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता, पर ये फ़ोन जो है मैं एकदम से कह सकता हूँ कि अपने प्राइस पॉइंट को बहुत अच्छे जस्टिफाई करता है। जिस फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय, वो फ़ोन हमारा पिक्सल ही है, और मैं देख पा रहा हूँ कि वो गर्म होना स्टार्ट भी हो चुका है ऑलरेडी, है कि नहीं। जबकि ये जो हमारा ये हमारा पोको F6 है, ये काफ़ी इस मामले में है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के बावजूद भी हीटअप नहीं होता, और हल्का हीटअप भी अगर कभी होता है तो ये परफॉर्मेंस लैग नहीं करती है। और मैंने पोको F1 भी यूज किया है और F6 भी यूज किया है, बीच के वेरिएंट जो है उतना मैंने नहीं यूज किया, पर मेरे घर वालों ने यूज किया है, और मैं देख पा रही कि जैसा मुझे पोको F1 में सेटिस्फेक्शन मिला था मोबाइल का, और उसके प्राइस रेंज से मैं सेटिस्फाइड थी, और काफ़ी दिन तक करीब 3.5-4 साल तक पोको F1 मैंने चलाया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, बस मैंने इसलिए उसको चेंज किया क्योंकि वो 4G फ़ोन था और बाद में 5G आ गया था, तो उसमें 5G का कनेक्शन नहीं आता था, तो मुझे इसलिए मोबाइल वो चेंज करना पड़ा 5G की वजह से। और हमारा पोको F1 जो है करीब 5 साल से ऊपर ही चला ना। और ये F6 जो है सेम वैसे ही उस चीज़ को जो मेरा एक्सपीरियंस था उसको जस्टिफाई कर रहा है, और मैं भी काफ़ी खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि हो सके सेल में मैं भी लेना चाहूँगी कि एक और मैं भी पोको F6 यूज करूँगी, और मुझे ये गूगल पिक्सल बिल्कुल नहीं पसंद। और कई बार लोग चाइनीज़ फ़ोन को ब्लोटवेयर से जोड़ कर देखते हैं, ब्लोटवेयर तो देखा जाए यानी अनवांटेड ऐप सैमसंग भी आपको देता है, Xiaomi भी देता है, Vivo Oppo सारे देते हैं, लेकिन क्या वो ऐप अनइंस्टॉल किए जा सकते हैं? तो यस, इसके सारे जो भी ऐप्स हैं अनइंस्टॉल किए जा सकते हैं, पहले से जो भी ऐप आए थे उनमें से अधिकतर ऐप तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिए हैं, कुछ जैसे थीम्स वगैरह मैंने रखा है, लेकिन उसको भी हटा सकते हैं, कोई वो इंट्रूसिव एड्स या इंट्रूसिव आपके ब्लोटवेयर नहीं है जिनको ना हटाए जा सके। तो यस बिल्कुल क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, इसमें हाइपर OS है जो कि काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, और समय के साथ काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है, आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ मुझे ये लगा कि पहले मुझे ये फील नहीं होता था, क्योंकि हमेशा जब भी मैं मोबाइल लेती थी तो मेरा उसका बैटरी चार्जर और बैटरी चार्ज करने का परफॉर्मेंस जो रहता था वो फास्ट रहता था, तो जब आपके पास होता है तो आप उसको नॉर्मल कॉमन फिनोमेना लेके चलते हैं, जैसे मैंने Xiaomi का टैबलेट यूज किया तो वो भी काफ़ी फास्ट ही चार्ज हो जाता है, अभी भी फास्ट ही चार्ज हो जाता है, पोको F1 यूज किया वो काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाता था, उसके बाद M11X Mi का ही मैंने यूज किया वो भी काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाता था, लेकिन जब मैं गूगल पिक्सल 7 1 A ली और ये फास्ट नहीं चार्ज होता था, तो शुरुआत में मैं सोची यार फास्ट चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हो ही जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है। मैं आपको सही में बताऊं तो मेरे मोबाइल को मैं दिन भर चार्ज करती हूँ, 3 से 4 बार
चार्ज करती हूँ। बैटरी बहुत ड्रेन होती है इसकी बहुत तेजी से, और बैटरी सेवर पे लगा के रखती हूँ, उसके बाद भी वो चार्ज हमेशा उसको चार्ज ही करते रहना पड़ता है मुझे। लेकिन इसमें चार्जिंग की मुझे कोई समस्या नहीं आई और हमेशा चार्ज रहता है, आपको सेवर की ज़रूरत नहीं है, बैटरी सेवर हमेशा आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड में जो भी इनको अपडेट वगैरह करना है उसके बाद भी मोबाइल जो है सफिशियंट चार्ज में रहता है। और अगर आपका पावर डाउन हो रहा है और आप मुश्किल से 5 मिनट इसके चार्जर से आप चार्ज करेंगे, तुरंत 30-25% तो ऐसे ही चार्ज हो जाएगा। कि अगर आप बहुत फास्ट कहीं बाहर आपको निकलना, आपने देखा कि अरे मोबाइल तो मेरा चार्ज ही नहीं है, लगा दिए तो आपका फिर उसके बाद भी चार्ज होगा, लेकिन ऐसा मेरे मोबाइल के साथ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर टेक्नोलॉजी में अगर आपको फास्ट चार्जिंग मिल रहा है तो ज़रूर जाइए। शुरुआत में मुझे ये फील नहीं होता था क्योंकि मेरे सारे इक्विपमेंट फास्ट चार्जिंग में ही थे, लेकिन जिस दिन का लो चार्जर वाला मोबाइल मैंने यूज किया उस दिन मुझे ये फील होने लगा, अरे ये तो चार्ज ही नहीं होती, ये तो चार्ज ही नहीं होता। सेम इशू आईफोन के साथ भी है, उनको चार्ज करने में टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस वो ज़्यादा देर तक फुली चार्ज रहते नहीं। अब प्लस इसमें बहुत से छोटे छोटे फीचर्स ना आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसमें आपको वीडियो ऐप्स मिल जाएगा जिससे आप यूट्यूब जो है स्क्रीन लॉक मोड में देख सकते हैं। प्लस आप जो है इनके गैलरी ऐप में स्काई चेंजर है, AI इन्हांसर है, प्लस पीपल को इरेज कर सकते हैं, लाइंस को इरेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे वो जो फीचर जो कहीं ना कहीं आपको गूगल के फोटो सूट या ऑफिस सूट में मिलता है पेड जो कि होता है, वो सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली फ्री में बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती है। और पूरा इनका हाइपर OS AI बेस्ड है, तो उसमें हर एक ऐप में सेटिंग्स में आपको कहीं ना कहीं AI इन्हांसमेंट और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि एक्सपीरियंस को ना ज़्यादा कहें कि कोई आदमी टेक सेवी ना हो, उसको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ना भी नॉलेज हो, वो भी बहुत आसानी से कर सकता है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि लोगों ने YouTube पे क्यों खराब इस फ़ोन को रिव्यू दिया है। YouTube पे ज़्यादातर पेड रिव्यू होते हैं और अधिकतर लोग जो हैं व्यू जुटाने के लिए फ़ोन तो उठा लेते हैं, लेकिन चूंकि शायद Xiaomi उनको उतना पे नहीं करती है तो वो बस ऐसे ही रिव्यू देते हैं, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा रिव्यू देंगे। OnePlus के बहुत से रिसेंट के फ़ोन्स का ये बहुत बढ़िया है कि OnePlus तुम्हारा OnePlus 5T के बाद से जितने फ़ोन थे वो धीरे धीरे डिग्रेड होते गए, लेकिन अधिकतर टाइम रिव्यूअर उनका अच्छा रिव्यू देते गए। रिसेंट के कुछ फ़ोन का जब पब्लिक में एकदम से हो गया कि नहीं ये तो बहुत ख़राब है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़राब है, तब जाके एक आध रिव्यूअर ने उनका नेगेटिव रिव्यू देना स्टार्ट किया। आईफोन के साथ अभी भी कुछ ही रिव्यूअर मिलेंगे जो कि ऐसा करते हैं, पर अधिकतर रिव्यूअर ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स देख के ही फ़ोन लेना चाहिए। और फिलहाल मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मैं कहूँगी कि आप अगर ख़रीदना चाहें, नया फ़ोन चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 25,000 या 28,000 कोई कम अमाउंट है किसी फ़ोन को ख़रीदने के लिए। 25,000 तो किसी की सैलरी होती है, और उसके बाद भी अगर फ़ोन 1-2 साल ना चले तो काफ़ी वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो आप ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए, और इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू।